भीख मांगते, हम अपने अधिकार मांगते, नहीं किसी से भी। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं घंटा घर के पास पुलिस कंट्रोल रूम के सामने, जहां पर कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के द्वारा कुछ मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया है। क्या मुद्दे हैं, किन मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया है, उन चीज़ों को लेकर के आइए बातचीत करते हैं। ये जो आप लोग के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है, किन मुद्दों को लेकर के? ये कर्मचारियों की 23 सूत्री मांगे हैं जो अधिकारी संयुक्त मोर्चा के माध्यम से दे रहे हैं। आज ज्ञापन भोपाल में सौंपना था, लेकिन इजाज़त ना देने के कारण मुख्यालय में सौंपा जा रहा है। आज हम लोग ने 23 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन कलेक्टर के नाम पे ज्ञापन दिया है, और हम आशा करते हैं कि प्रशासन आगे हमारी बातों का ध्यान रखते हुए और जो समस्याएं हैं, जो 23 सूत्री मांगे हैं, उनको पूरा करेंगे। टुकड़ों में महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, ये गलत है। आवास भत्ता नहीं दिया, ऐसी प्रमुख मांगे हैं जिसके संबंध में आज हम लोग ने माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। क्या आश्वासन दिया गया है और आगामी भविष्य में क्या योजना है अगर ये मांगे नहीं पूरी की जाती? हाँ, ये बात सही है कि अभी निकट भविष्य में चुनाव हैं, तो हर कर्मचारी नेता या उनके संघों को बाकायदा मांगें दी जाती हैं। तो ये नहीं, पहले आप करके बताएं, तब कर्मचारी आपके सपोर्ट पे उतरेंगे। अभी बड़ा दुख का विषय है कि हर चीज़ में कर्मचारियों की कन्नी काटी जाती है, उनको दवा दिया जाता है। कृपया ऐसा ना हो, एक संकेत है। और आज हम लोग का ये तृतीय चरण है, आगे जाके हम लोग रोड पे आएंगे। प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संघ संयुक्त मोर्चा के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया, उसे यह स्थान पहुँचा दिया जाएगा। उनकी मांगे जो भी हैं, 8 सूत्री मांगे दी गई। अधिकार मांगते, नहीं किसी से।